अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज आप सब लोग हैरान हो जाएंगे कि ये परांदा क्यों बांधा हुआ है, क्यों आगे बार बार झुल झुल के दिखा रही है। तो ये देखें जी, परांदा मैंने बांध लिया है। और किसी की ख्वाहिश थी पहले, जैसे किसी की ख्वाहिश थी मेरे व्यूवर्स की कि आप जो है ना अबाया पहन के दिखाएं, अबाया ओढ़ के दिखाएं, अबाया ओढ़ के दिखाएं, तो मैंने वो ख्वाहिश पूरी की थी। आज मेरे सेकंड व्यूवर्स जिन्होंने मुझे बड़ी फरमाइशें बहुत दफा की हैं, और वो बाकायदा मुझसे सवाल कर रही थी आपके पास कितने परांदे हैं। तो जनाब, मेरे पास एक ही परांदा है। जब मैं पंजाब गई थी तो मैं ये लेकर आई थी, और मेरे पास और परांदे नहीं है। अब मुझे जो है ना पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं ये पहनने के बाद ना, तो अब मैं जो है ना कोशिश क्या करूंगी, इसको पहना करूंगी इंशाल्लाह, तो और लेकर आऊंगी और इंशाल्लाह जरूर नए नए कलर्स में पहना करूंगी। तो चलें जी, अभी किचन में चाय बनाते हैं। चलें जी, अभी जो है ना चाय का मूड हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैंने शाम की चाय पीना छोड़ दी, और ख़ासकर मलिक साहब जब से गए हैं ना तो चाय पीने का दिल भी नहीं चाह रहा। तो जी, ये दूध आया था दोपहर में और मैंने गरम जो है ना नहीं किया था, मैंने इसको पहले रख दिया था फ्रीज़र में, फिर इसको जो है ना फ्रिज में रख दिया, मैंने कहा ख़राब ना हो जाए ना, तो साथ साथ ये भी गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं मज़ेदार सी। तो जनाब, दूध जो है ना मैंने अलग से निकाल लिया अपनी चाय के लिए, और जी बर्तन जो है ना कभी नहीं ख़त्म होने वाले किचन में खासकर। तो कल इनके अंकल आए थे, और अंकल इनके लिए क्या क्या लेकर आए मैं दिखाती हूँ आपको। उफ़, इनके अंकल लाए थे फ्रूट्स, और अभी मैं सोच रही हूँ वॉश करती हूँ इसको। ये देखें जी, बहुत ज़्यादा फ्रेश माशाल्लाह से, ये जो है ना इनके अंकल लेकर आए थे रात में। और क्या लेकर आए, और लेकर आए थे आड़ू, और साथ साथ जो है चीकू, ये देखें जी चीकू। और इसको मैंने उस वक्त तो फ्रिज में रख दिया था, अभी जो है ना चाय पीने के बाद मैं इसको वॉश करके रखूँगी और कुछ काट के बच्चों को खिलाती हूँ अभी। अच्छा, पहले मैं ना परांदा बांधा करती थी, शादी से पहले बांधा करती थी, और मेरे बाल भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे हुआ करते थे, मगर फिर वही बात है ना कि टाइम ही नहीं मिलता बच्चों में, घर में, हर चीज़ में ना। पंजाब का तो ट्रेंड है ये परांदा बांधना, और आप लोग बताइएगा वैसे मजाक से हट के कैसा लग रहा है ना। तो मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है, मुझे बांध के बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जिनकी ख्वाहिश थी अल्लाह करे उन्हें भी अच्छा लगे। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने मुझे ख्वाहिश का इजहार किया, अच्छा लगा, थैंक यू। तो मेरे पास एक ही परांदा है, और परांदे नहीं है, मैं लेकर आऊँगी, ज़रूर लेकर आऊँगी, और डिफरेंट कलर में लेकर आऊँगी इंशाल्लाह, बांधूँगी मैं। चले जी, हमारी फाइनली देखें बातों बातों में बन गई ये चाय, दूध पत्ती सी चाय, ठीक है। और बहुत से लोग हैं जो कि बिल्कुल चाय पसंद ही नहीं करते, और हम लोग हैं कि चाय छोड़ नहीं सकते, और बहुत से लोग हैं जो मैंने देखा है कि नहीं पीते, बिल्कुल पसंद नहीं करते, मगर हम लोग तो इतना कोई ज़्यादा पीते हैं, खासकर पंजाब जाके तो बस बहुत ज़्यादा पीते हैं हम लोग, वहाँ का दूध बहुत अच्छा होता है ना शायद इसलिए। तो बहरहाल हमारी चाय हो गई है तैयार। तो इनके चाचू आए अभी और अंदर ही नहीं आ रहे थे चाचू, बहुत शर्मीले चाचू हैं इनके। ये चाचू इनके देखे मुंह छुपा के बैठे, कह रहे मेरी शेरी मत बनाए वीडियो शीडियो। मैंने कहा क्यों भाई, बहुत शर्मीले इनके चाचू। आ जाओ दीमा, ये किसका है? ये चब भैया का। सदीम ने पी लिया। सदीमा आपने पी लिया है? अभी फिर पी रहा है ये लड़का। चलो जी फासिया, पहले आप पी लो। चाचू से पूछो और चाहिए क्या आपको? नहीं। पूरा फिनिश करना दीमा, ठीक है, बस जितना है बस खत्म हो गया, अब दूसरा फिर रखा हुआ है बाद में पीना। ये बाहर फेंक कर आओ जल्दी से, शाबाश। से आज पंजे पंजे वाला गेम खेलता है ये, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पंजा पंजा लगवाता है ये हर बंदे से। कल हमारे घर एसी लगवाने बंदा आया, उससे भी पंजा लड़ाने शुरू हो गया मेरा बेटा, इतना कोई क्रेजी है ना ये सदीम। इच्छा, शाबाश, हाँ वेरी गुड, वेरी जबरदस्त। ओए चाचू को हरा दिया इसके अंदर जूस पी के एनर्जी आ रही है इसके अंदर जी। बर्तन ही बर्तन, अभी चाय के भी आने वाले हैं। चाय हमारी रेडी हो गई है, और मगरिब की अजाने हो रही हैं, हम लोग जा रहे हैं उस कमरे में, से लेके चलो बेटा, अजान हो रही है, अब चुप हो जाओ, शोर नहीं करो, चलो उठ के बैठो, मगरिब की अजान हो रही है।
चलो शाबाश मेरा बेटा, उठ के बैठो, शाबाश। चलिए जी मजेदार सी चाय एंजॉय करते हैं। और अभी मगरिब की अजान हुई है और कल इनके अंकल आए थे फ्रूट्स लेकर, और अंकल जी वीडियो लाजमी देखते हैं। और सबसे मजे की बात बताऊं ट्विस्ट वाली, इनके अंकल को यूट्यूब पे जॉब करना मेरा पसंद ही नहीं है, वो मुझसे नाराज हो कहते हैं। और काफी अरसे के बाद जो है ना अब आए हैं और फ्रूट्स देने आए थे। और तो बहरहाल अब क्या करें, आप बताएं, यूट्यूब पे जितने सारे लोग जॉब करते हैं तो हर किसी का अपना अपना जो है ना एक काम है, तरीका है। तो बहुत सारे लोग जो है ना अपने अपने तरीके से काम करते हैं, मैं भी अपने तरीके से काम कर रही हूँ। तो बहरहाल हर किसी का अपना अंदाज होता है, अब किसी को पसंद आए ना आए, अब मेरा दिल लग गया। एक्चुअली सारा मसला ये है कि यूट्यूब पे जॉब करते करते मेरा दिल लग गया और यहाँ से हटना मुश्किल है। ऐसे तो देखा जाए तो मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल पसंद नहीं है यूट्यूब पे जॉब करना, और हम मदर्स की यानी कोई एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी इस तरह से देखें, एक्टिविटी वैसे तो बहुत ज्यादा है, घर में काम बर्तन ये वो सारा कुछ करते हैं, हमारे पास ऐसा कोई मशगला नहीं है जिससे हम अपने आप को थोड़ा सा अंदर से, जिसे बोलते ना ब्रेन वॉश करने के लिए, अपने आप को चार्मिंग करने के लिए हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ये एक्टिविटी हमें चार्म देती है थोड़ी सी जीने के लिए, थोड़ा सा न्यू एक लगता है, हम किसी दूसरे की जिंदगी देख रहे होते हैं, हम अपनी दिखा रहे होते हैं, तो ये सब चीजों से ना बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो मुझे अपने अंदर जो है ना थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि ये जॉब करने के बाद कि मुझे जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बहाल हुआ है मेरा, और मजीद इंशाल्लाह होगा, आप लोग जरूर दुआएं कीजिएगा। और अब मेरा दिल लग गया, अब मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ, तो चाय एंजॉय करते हैं जनाब। चाय हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पी ली है, और थोड़ी सी चीनी कम हो गई थी तो फिर चीनी आज ऊपर से डाल के फिर पीनी पड़ी। और ये देखिए, ये मैंने ड्रेस निकाल के रखा था, कहीं जाना था मुझे तो मैंने सोचा था कि चले इस्त्री करके रख लेती हूँ, जाएंगे तो अभी तो कैंसिल हो गया जाना, तो सोच में मुब्तला हूँ शायद चले भी जाएं और नहीं भी जाएं, तो अभी कोई डन नहीं हुआ प्रोग्राम ना। तो ये जो सूट था ना, ये मेरा बहुत फेवरेट सूट है, और किसी ने गिफ्ट किया था तो शायद इसलिए भी ज़्यादा फेवरेट है। और ये शॉप पर तकरीबन एक हफ्ते से बांध के रखी हुई है मैंने, और ये सारे कपड़े सिलने के लिए देना है, मगर टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे, बस घर के कामों में उलझी पड़ी हूँ मैं। तो बस ये अभी जो है ना बर्तन धोते हैं, बर्तन धोने के बाद जो है ना थोड़ी देर के बाद रोटी शोटी बनाएंगे, बच्चों को खाना वाना खिलाएंगे। और बस कल की वीडियो इसलिए नहीं आई मेरी क्योंकि कल मुझे एसी का काम करवाना था जो कि मेरा रह गया था, क्योंकि हम लोगों ने जो है एसी बनने के लिए दिया था ना, तो उसका कुछ लीकेज वगैरह का कोई इशू था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बन के आ गया, तो वो कल जो है ना सुकून का दिन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल इन्हीं कामों में उलझी पड़ी थी, कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, तो वीडियो पे कैसे मैं वो करती। तो बहरहाल अभी जी बर्तन धोते हैं, तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।